का समय चल रहा है, अभी गणेश चतुर्थी निकल के गई है, अनंत चतुर्दशी आने वाला फेस है, मुहर्रम का पर्व भी चल रहा है। तो हमने कहा है कि जो भारत सरकार का और यूपी सरकार गाइडलाइंस हैं कोविड 19 का, उसका शत प्रतिशत पालन, कोई उसमें ढील नहीं होनी चाहिए, उनका पालन कराया जाएगा। संगठित अपराध और माफिया अपराध पर यहाँ बहुत काम हुआ है मऊ में, और उसमें जो कार्रवाई शेष है उसके लिए मैंने को निर्देश दिए हैं। काफी प्रॉपर्टियां लगभग 18 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हुई है माफियाओं की, कम से कम लगभग 25-26 असला कैंसिल और सस्पेंड हुए, जमा हुए हैं, लगभग 60 लोगों पर यहाँ के विषय में कार्रवाई हुई है माफियाओं के खिलाफ। उसमें मैंने कहा है जो भी जिसके खिलाफ भी कार्रवाई के विषय में हुई है, माफिया के खिलाफ भी और अन्य अपराधी भी जो संगठित अपराधी हैं, एक एक की प्रॉपर्टी को सीज कराया गया है। जितने भी गैंगस्टर की कार्रवाइयाँ हुई हैं, ऑल टाइप ऑफ क्रिमिनल्स, चाहे वो लुटेरे हैं, संगठित अपराधी हैं, हत्यारे हैं, उन सब की प्रॉपर्टी सीज होनी चाहिए गैंगस्टर एक्ट में, उनकी हिस्ट्री सीट खोली जाए, उनके गैंग रजिस्टर्ड होने चाहिए। ये मैंने इनको करने के निर्देश दिया है। एक अभियान हमने चलाया है अवैध असलाहों की रिकवरी का और अवैध शराब का। इसके साथ साथ पंचायत का चुनाव के दृष्टिगत हमने तैयारी शुरू कर दी है, उसमें भी आज हमने इन सबको निर्देश दिया है कि गांवों में भ्रमण करें, गांवों के बारे में सारी सूचनाएं, क्या तनाव चल रहे हैं, क्या विवाद चल रहे हैं, क्यों विवाद चल रहे हैं, कौन संभावित कैंडिडेट्स है, क्या गुटबाजी है, क्या रंजिश है, उन सबको चिन्हित करके आवश्यकता के अनुसार प्रिवेंटिव कार्रवाई की जाए, पाबंद कराया जाए, किसी का असला कैंसिल कराना था असला कैंसिल कराया जाए, जो लैंड डिस्प्यूट हैं तो राजस्व की सहायता से उनको हल कराया जाए, और जितने डिस्प्यूट और ये एनिमिटीज हैं, रंजस हैं, इनका लगातार हमने कहा कि अधिकारी को नामित करते हुए इनको लगातार रिलीज किया जाए, जो समझौता कराया गया या जो हल हुआ उसका पालन पूरा करने वाले, जैसे कोई घटना घटित न होने पाए। इतने लाइसेंसी वेपन्स हैं उनके सत्यापन के लिए मैंने कहा है कि जिनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हैं उनका अपना कैंसिल की रिपोर्ट डीएम को दी जाए, और सबके कार्टेज का वेरिफिकेशन भी कराया जाए, और अनियमितता पाई जाती है तो कार्रवाई की जाए। इस प्रकार से हमने ऑर्गेनाइज क्राइम पर, माफिया क्राइम पर, पंचायत के चुनाव के दृष्टिगत, चुनाव जो पर्व और त्यौहार चल रहे हैं इनके दृष्टिगत जो तैयारी करनी है उसका रिव्यू किया है और इनको निर्देश दिए हैं। मऊ में अच्छा कार्य हुआ है, ग्राउंड काफ़ी यहाँ अच्छा रहा है, अपराध में भारी गिरावट है, मर्डर जैसे हेड में भी लगभग 50% की गिरावट है, रमेश काका की भी लगभग 1.6 करोड़ रिपोर्ट रिसीज करी है। तो पूरे जो हमें जितने भी इस प्रकार के संगठित अपराध करने वाले लोग हैं, अपराधी हैं, सबकी कार्रवाई की जा रही है, और लगभग 15 अगस्त तक इस साल में हम लोगों ने अराउंड 58 करोड़ की प्रॉपर्टी हम लेंगे सीज कर चुके हैं, ऑल टाइप ऑफ संगठित अपराधियों, इसमें गौ तस्कर भी हैं, गौकसी करने वाले लोग भी हैं, गौ तस्कर को कसी करने वालों को हमने बड़ा साफ निर्देश कहा कि जितने अपराधी हैं जो कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, रासपा लगेगी, प्रॉपर्टी सबकी सीज होगी, ये जघन्य अपराध है, गौकसी अच्छी कार्रवाई हमें हुई है, लगभग 600 पूरे जोन में आपको बताना चाहूंगा 662 गौ तस्करी और गौ कसी करने वालों हमने गैंगस्टर लगाया है, जिनमें से 259 की हिस्ट्री शीट खोली है, 4 पे कार्रवाई रासपा की हुई है, 60 गैंग रजिस्टर किए गए और 3.5 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की गई है। इसी प्रकार सारा माफियाओं में भी हम लोगों ने 112 पे गैंगस्टर लगाया है, लगभग 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की गई है, 20 गैंग रजिस्टर किए गए हैं, और टोटल जो संगठित अपराधी हैं लगभग 1499 के खिलाफ हमने गैंगस्टर कार्रवाई करी है, 847 की हिस्ट्री शीट खोली है, 135 गैंग रजिस्टर कराए हैं, 15 पे रासपा लगाई है। तो हमारा पूरा यह है कि जितना टॉप 10 अपराधी इन सबके खिलाफ एक योजनाबद्ध तरीके से हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो जो भी संगठित अपराध में इन्वॉल्व होगा, हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व होगा, कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ये 12 देखिए, ये 12 तो जैसे एक गिरोह नहीं होता है, विभिन्न सहयोगी होते हैं, जो माफिया जो लोग हैं उनका जो सपोर्ट करने वाले होते हैं, विभिन्न एक्टिविटीज में होते हैं, और उनके 5-6-10 गैंग भी हो सकते हैं, एक कहीं कहीं से जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार से ये बारे में बलिया का जिक्र करना चाह रहे हैं, यहाँ एक परसों हत्या हुई थी जी,
इस हत्या की बैकग्राउंड आप सबके दरमियान में है ऑलरेडी। पट्टीदारों का विवाद था, पट्टीदारों ने हत्या करी है। दिसंबर में भी दोनों पार्टियों में विवाद हुआ था, दोनों की क्रॉस एफआईआर दर्ज हुई थी और दोनों किसमें चार्जशीट लगी थी। तो पुरानी एनिमिटी तो पट्टीदारों के बीच में चल रही थी, उसी के क्रम में जगन हत्या हुई थी। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, उसमें 10 मुलजिम थे, उनमें 5 मुलजिम वही थे जो पहले भी केस में थे, जो दिसंबर में जो आपसे मारपीट हुई थी। 6 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें केवल गिरफ्तारी नहीं, बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट वगैरह में भी इसमें कार्रवाई, एक मैसेज दिया जाएगा, कानून को कोई अपने हाथ में लेने की हिम्मत ना करे। छोटी छोटी बातों को लेकर के इस बार की जो घटनाएं करते हैं उनके खिलाफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्रवाई करती है। पुलिस किसी का इनकाउंटर नहीं करती, कोई भी पुलिस पर गोली जब चलाता है तो पुलिस को सेल्फ डिफेंस का अधिकार होता है। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ जो आप पूछ रहे हैं।